हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सबके लिए कुछ यूजफुल किचन टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आए तो प्लीज़ फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। अक्सर क्या होता है, हम सब जब मसाले के लिए स्पून लेते हैं तो इधर उधर स्पून हमारे खो जाते हैं, और फिर हम मसाले जब निकालने जाते हैं तो स्पून को खोजने में बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है। तो इस झंझट से बचने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, इस टाइप का रबर बैंड मार्केट में आता है, आप इस टाइप का एक रबर बैंड ले लें और जिस भी मसाले का आप यूज़ करते हैं उसी समय वो स्पून आप उस मसाले के बाहर इस तरीके से रबर बैंड की हेल्प से लगा लें। इससे क्या होगा, हमारे स्पून भी नहीं खोएंगे और हमें मसाले निकालने के लिए स्पून तलाशने की भी टाइम वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी। तो है ना बहुत ही यूज़फुल ये टिप। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, हम जब बर्तन धोते हैं तो बर्तन धोते वक्त ना कुछ पानी हमारे किचन के जो फर्श होते हैं उस पे गिर जाते हैं, फिर हमारी किचन बहुत ही ज़्यादा गंदे दिखने लगते हैं। तो आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई कॉटन डोरमेट है तो आप उन जहाँ बर्तन धोते हैं खड़े होकर उसके नीचे रख लें, या फिर कोई भी रफ़ कपड़ा हो कॉटन का वो आप नीचे रख लें। इससे क्या होगा, जो हम बर्तन धोते वक्त जो पानी हमारे गिरते हैं ना वो सारे कपड़े में सूख जाएंगे, तो हमारी किचन ज़्यादा गंदे नहीं दिखेंगे और सूखे सूखे से रहेंगे। तो इस टिप को आप ज़रूर से फॉलो करें। इससे क्या होगा, हमारे जो विंटर में है ना सर्दी लगने से भी हम बच सकते हैं और पानी ज़्यादा हमारे किचन के फर्श पे नहीं गिरेंगे, जिससे हमारे बच्चे भी स्लिप होके नहीं गिरेंगे। नेक्स्ट क्या है, हमारे जो ये पानी गर्म करने वाला केटल होता है वो पानी गर्म करते करते अंदर से ना काला दिखने लगता है, अंदर काला दाग पड़ जाता है। तो इसे साफ़ करने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है, आप थोड़ा सा विनीगर ले लें और थोड़ा सा पानी ले लें और थोड़ा सा नमक डालें और इसे आप थोड़ा सा गर्म कर लें। जब ये हल्का सा गर्म हो जाएगा तो आप किसी भी स्क्रबर से बहुत ही ईजिली हल्के हाथ से इसे अंदर से आप इस तरीके से साफ़ कर ले, बहुत ही ईजिली साफ़ हो जाता है। इसमें कोई डिश वॉश की ज़रूरत नहीं है, ये इसी से साफ़ हो जाता है। और साफ़ होने के बाद आप देखें इसे ठंडे पानी से धो लें और इसके बाद आप देखेंगे कि इसके अंदर जो दाग था वो का पानी का वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और आपका केटल बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाएगा। इसमें जो स्मेल वगैरह आते हैं वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो आप वीक में एक बार इस तरीके से केटल को ज़रूर साफ़ करें, क्योंकि केटल में हम पानी पीते हैं तो केटल हमारा साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। हम सबके घरों में होती हैं जिसमें हम पानी गर्म करके रखते हैं, बच्चों को हम स्कूल भी भेजते हैं इसमें वाटर बोतल में पानी डाल करके, तो इसे साफ़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बोतल हमें ऐसा लगता है कि क्लीन है बट अंदर से ये बहुत इसमें जर्म्स वगैरह लगे रहते हैं। तो इसे क्लीन करने का मैं आपको बहुत ही सिंपल और बहुत ही मतलब अच्छा तरीका बताऊँगी। आपको क्या करना है, थोड़े से नमक ले लेने हैं और उसमें आपको थोड़े से डालने हैं विनीगर, और इसी से आपको इस बोतल को क्लीन करने है। जो नमक मैंने डाला, नमक की हेल्प से जितनी भी गंदगी है ना वो सारे बोतल से निकल जाएंगे। और ठीक इसी तरीके से आप नमक और विनीगर डाल के अंदर से भी साफ़ करिए। जो नमक होता है वो कीटाणु को किल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, इसमें किसी डिशवॉश की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ विनीगर और नमक की हेल्प से ही इस बोतल को आप अच्छे से क्लीन कर सकते हैं, कीटाणु रहित आप इस बोतल को बना सकते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं बोतल का कैप, मेरे बच्चों ने इतने टाइम इसे गिराया है कि बोतल का कैप बिल्कुल पचक चुका है। तो इस तरीके से आप इसे क्लीन करें और इसमें जितनी मर्जी आप गर्म पानी भर के बच्चों को दें, ठंड का बहुत ज़्यादा मतलब सीज़न है, सर्दियों से बचने के लिए इस बोतल में पानी भर के बच्चों के सामने रखेंगे तो बच्चे ना चाहते हुए भी गर्म पानी ज़रूर पियेंगे। तो इस टिप को आप ज़रूर फॉलो करें, और इन सब टिप में से आपको कोई भी सॉरी इन सब टिप्स में से अगर कोई भी टिप पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप एक लाइक करें, क्योंकि आप यकीन मानिए आपकी लाइक से ना ऐसा लगता है जैसे कि एक अंदर से एनर्जी आ जाती है, चार्ज हो जाते हैं ऐसा। जब आप लाइक नहीं करते हैं ना तो मैं बिल्कुल डिस्चार्ज हो जाती हूँ, और आपकी लाइक मुझे अंदर से चार्ज करती है, यानी कि बहुत ज़्यादा एनर्जी महसूस होता है। तो लाइक ज़रूर करें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। क्या है, ठंड के मौसम में हम हाउसवाइफ को ना सबसे ज़्यादा जो दिक्कत देने वाला काम होता है ना वो है बर्तन धोना। सारे काम करवा लो लेकिन बर्तन धोने की ना जब आप बारी आती है ना तो ऐसा लगता है कि इस ठंडे पानी इसको ना छूना पड़े।
बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है ठंड के मौसम में हम हाउसवाइफ को बर्तन धोना, तो इसके लिए आप एक घरेलू उपाय कर सकते हैं, घरेलू बोले तो जुगाड़ कर सकते हैं। क्या करने हैं आपको, कोई भी पाउडर ले लेने हैं, सूखे पाउडर जो भी आपके घर में है आप वो ले लें और अपने हाथों में अच्छे से इसे रब कर लें। और इसके बाद अगर आपके पास कोई ग्लव्स है तो आप वो पहन लें, अगर आपके पास ग्लव्स नहीं है तो चलिए मैं आपको बताती हूँ आप एक जुगाड़ो उपाय कैसे कर सकते हैं। कोई भी जो यूज़फुल जो आपके यूज़ में ना हो, मतलब जुराबे जो कि सॉक्स बोलते हैं इसे, जो आपके यूज़ में ना हो, जिसके कि रबर लूज हो चुके हैं, वो आप सॉक्स ले लें और अपने हाथों में इस तरीके से डाल लें। और इसके बाद क्या करने हैं आपको, कोई भी प्लास्टिक ले लेने हैं। अब प्लास्टिक लेने के बाद इस टाइप का आपको लेने हैं रबड़ बैंड, ये आपको मार्केट में बहुत ही ईजिली मिल जाता है। और इस रबड़ बैंड की हेल्प से आप प्लास्टिक को इस तरीके से इसमें फंसा लें और इसके बाद आप इसे थोड़ा टाइटली फंसाएं ताकि जब आप बर्तन धो रहे हो तो ये प्लास्टिक ना निकले। इसके बाद जितनी मर्जी ना आप उतने बर्तन धोएं, यकीन मानिए आपका एक बूंद भी अंदर प्लास्टिक के अंदर नहीं जाएगा और आपको ठंड तो बिल्कुल भी नहीं लगेगी। ये बहुत ही मतलब घरेलू उपाय है, घरेलू जुगाड़ बोल सकते हैं। अब हर किसी के पास ग्लव्स तो, खुद मेरे पास नहीं है ग्लव्स, तो मैं भी इसी टाइप का करती हूँ, सॉक्स पहन लेती हूँ पुराना वाला कोई भी और इसके ऊपर मैं इस टाइप का प्लास्टिक बांध करके ठंड में, ठंड से भी बच जाती हूँ और प्लस में जितनी मर्जी उतनी भी हम बर्तन भी धो लेते हैं। तो इस तरीके से करने से हम ठंड से भी बच सकते हैं और हमारे सारे बर्तन भी धुल जाते हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आए, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इन सारे टिप्स में आप सबको सबसे ज़्यादा टिप कौन सा पसंद आए कमेंट कर